प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों पर कैश काउंटर बंद करके अब जो है निःशुल्क इलाज की सुविधा शुरू करने वाली। देखा जा रहा था कि सरकारी अस्पतालों पर जो है अभी तक से निःशुल्क इलाज की सुविधा तो बरकरार थी, लेकिन जिनके पास में आयुष्मान कार्ड और स्मार्ट कार्ड नहीं है ऐसे मरीजों का जो है पैसे से इलाज होती थी और इन दौरान जो है कई मरीज जो है इलाज के दौरान मौत भी हो जाती थी क्योंकि इनके पास में पैसे की कमी होती थी। देखा जाता था कि सरकारी अस्पतालों पर ज़्यादा से ज़्यादा गरीब और तबके की मरीज जो है इलाज कराते हैं और इनको इलाज के दौरान जो सरकारी अस्पतालों में सुविधा मुहैया नहीं हो पाती है इनको लेकर के काफ़ी परेशानी होती थी। तो इन सब बातों को देख कर के स्वास्थ्य विभाग के जो अफसर है और मंत्री स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने एक चर्चा की। चर्चा के दौरान देखा गया कि स्वास्थ्य विभाग से सालाना जो है 3 करोड़ की फ़ायदा होती है और 3 करोड़ का फ़ायदा होने से स्वास्थ्य विभाग में कहीं ना कहीं जो है इलाज के दौरान जिन मरीजों की मौत हो जाती है उनका खामियाजा जो है मंत्रियों को प्रशासन को भुगतना पड़ता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने एक बड़ी कदम उठाई है और इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि अब सभी सरकारी अस्पतालों में जिला अस्पताल पीएचसी सीएचसी समेत तमाम सरकारी अस्पतालों पर जो है अब निःशुल्क इलाज की जाएगी। वहीं मंत्रियों के लेटर हेड विधायकों के लेटर हेड भी इस्तेमाल नहीं होगी। तो खबरें अभी और है, बने रहे ग्लिप डॉट इन के साथ।